साथ एक सब्सक्राइबर है जिनके पास एक प्रॉब्लम आ चुका है कॉपीराइट का। तो आज की वीडियो में हम लोग कॉपीराइट कैसे हटाते हैं और किस तरीके से क्या करते हैं वो सब बताएंगे। लेकिन सबसे आपका नाम क्या हुआ? कुमार है। और आप ये YouTube चैनल कब ओपन किए थे? हमको 1.5 महीने हो गया। 1.5 महीने में आपने 30 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और उसके बाद आपके चैनल पर जो है कॉपीराइट आ गया। हाँ। कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। और एक चैनल पे तो मतलब आपका जो एक वीडियो है जो टेक डाउन कर दिया गया, मैंने देखा है। हाँ। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने जो है इतना ज्यादा ट्रस्ट किया है मेरे पे कि मुझे इन्होंने जो है जीमेल भी दिया है और पासवर्ड भी दे दिया है। बहुत सारे ऐसे होते जो नहीं देते रहते, थोड़ा सा हिचकिचा रहते, ये भी हिचकिचा रहे थे हालांकि, लेकिन फिर भी इन्होंने दे दिया है। और इनका मैंने चेक किया है, बहुत ज्यादा जो है कॉपी राइट है वो सब मैं हटा दूंगा, लेकिन जो हटाने वाला रहेगा वो हटाऊंगा। एंड कैसे हटाते हैं वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ताकि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीख पाओ। एंड आपके भी चैनल पर कॉपी राइट आता है तो आप लोग उसे जो है रिमूव कर पाओ, हटा पाओ, ठीक है। तो चलिए गाइस इनके चैनल को हम लोग चेक करते हैं। हो सके तो इनके चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब करिएगा और ये भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो चलिए इनके चैनल को हम लोग चेक करते हैं किस तरीके से इनके चैनल पर इशू आए हुए हैं, वो सब हम लोग क्लियर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र जो है ओपन कर लिया है एंड इसका चैनल जो है मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन कर लिया है। एंड यहाँ पर किस तरीके से जो हटाया जाता है वो मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा गाइस, ये आपके चैनल का सवाल है, आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग इस पर ध्यान नहीं दोगे तो भाई डिलीट होगा ही होगा। भाई ने यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर शॉर्ट वीडियो भी कुछ अपलोड किए हैं और इस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने गलती किया है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ भी टाइटल लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर आप सब देख सकते हो टाइटल कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ 28 अप्रैल यहाँ पर लिखा हुआ है बस, और कुछ लिखा हुआ नहीं है। देन यहाँ से आपको कस्टमाइज चैनल पे जो है क्लिक कर देना है। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर जो है YT स्टूडियो में ओपन होता है। सो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर है कॉपीराइट क्लेम, ठीक है। अब दोस्तों कॉपीराइट क्लेम आता है आपके YouTube चैनल पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लेम से कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि क्लेम जो है आपको YouTube खुद देता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो है किसी का जो वीडियो हो गया या किसी का सॉन्ग हो गया, किसी का कुछ भी अगर आपने यूज किया है अपनी वीडियो में, तो यूट्यूब आपको वार्निंग देता है कि भाई ये कॉपीराइट क्लेम है, ओके। और जो मेन ऑनर होगा वो कॉपीराइट स्ट्राइक देगा। कॉपीराइट एंड कॉपीराइट क्लेम दो तरीके के होते हैं गाइस, और इन्हें ही आपको समझने होंगे। आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। एंड इसको हम लोग हटाएंगे कैसे, यहाँ पर आपको इस पे कॉपीराइट क्लेम पे क्लिक कर देना है। सेंड यहाँ पर जो लिखा हुआ है सी डाटा, ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स, सी डिटेल्स पे लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे एंड आप इसके अंदर आ जाएंगे, इस वीडियो के अंदर, देन यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कितना ज़्यादा कॉपीराइट आया हुआ है। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो है कॉपीराइट से भरपूर है भाई साहब। तो आपको करना क्या है, या अगर जो इसका मेन ओनर है वो देख लिया है तो कभी भी कॉपीराइट आपको दे सकता है। दोस्तों उसी के साइड में आपको यहाँ पर जो है दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा 3 लेयर का, इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इस पर ई 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल जाते हैं और इससे आप जो है कॉपीराइट को हटा सकते हैं, जो क्लेम आया हुआ है उसको आप हटा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ से आप इसको या तो कट कर सकते हैं, या रिमूव कर सकते हैं, या म्यूट कर सकते हैं। म्यूट का मतलब हो गया कि आपने जो जहाँ पर भी सॉन्ग का कॉपीराइट आया हुआ है वो म्यूट हो जाएगा, मतलब बजेगा ही नहीं। और इसका मतलब है, रिवोक का मतलब हो गया कि आपने आपका जो चैनल जो जहाँ तक कॉपीराइट आया हुआ है वहाँ से वो गाना हट जाएगा एंड दूसरा गाना आ जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ तक दिया गया है। और यहाँ पर आप कट भी कर सकते हो, ट्रिम आउट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप कट भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि भाई साहब वॉच टाइम है इस पर, तो वॉच टाइम को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर म्यूट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको म्यूट पे क्लिक कर देना है।
अब म्यूट पर जैसे ही आप लोग क्लिक कर देंगे, यहाँ पर जो है एक प्रोसेसर स्टार्ट होगा एंड यहाँ पर आपको कन्फर्म का ऑप्शन मांगेगा कि इतना इतना भाई आया हुआ है आपका, तो आप यहाँ से कन्फर्म कर दीजिएगा। देन यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको ये जो वीडियो है, ठीक है, यहाँ पर आप इसको भी देख लीजिएगा, इस पर आपको जो है इसको आप ऑन कर दीजिएगा, कन्फर्म कर दीजिएगा, म्यूट पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है ये अब प्रोसेसिंग हो चुका हुआ है एंड यहाँ पर ये जो प्रोसेसिंग है यहाँ पर सक्सेसफुल जो है हो चुका हुआ है। थोड़ी देर के बाद दोस्तों ये जो कॉपीराइट क्लेम्स है वो पूरे रिमूव हो जाएंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कुछ SD करके यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि बहुत ये मतलब आपको बताता है कि आपका जो वीडियो पे आपने जो इफ़ेक्ट लगाया है वो काम कर रहा है। देन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेकिंग चल रहा है हमारे वीडियो का और भाई साहब वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये कन्फर्म है 100% में से 100% है रिमूव हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर इनके चैनल पर एक बहुत बड़ा दिक्कत आया हुआ है जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि ये देखिए दोस्तों ये एक जो वीडियो है बहुत ज़्यादा गलत गया हुआ है क्योंकि इस पर यूट्यूब वाले का क्लेम आ गया हुआ है गाइस और ये वीडियो को बंद कर दिया गया है यूट्यूब से। तो हम लोग को इस केस में क्या करना चाहिए, सबसे पहले यार हम लोग को यहाँ से इस वीडियो को यहाँ पर आपको 3 डॉट पे क्लिक नहीं करना है। बहुत सारे बंदे होते हैं जो फटाफट से इसे डिलीट कर देते हैं, डिलीट आपको नहीं करना है। यहाँ पर जो एक ऑप्शन आ रहा होगा बॉक्स का, इस बॉक्स वाले ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक कर देगा देन यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर मोर पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको दूसरे वाला ऑप्शन पर सिलेक्ट करके क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक कर देगा यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस वाले जो बॉक्स है इसको आपको भरना है, देन यहाँ पर आपको डिलीट पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों ये जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीट हो चुका हुआ है। और बहुत सारे बंदे जो होते हैं YouTube से ही डिलीट कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, ऐसे वैसे कर लेते हैं, तो ऐसे मत कीजिएगा, आपके चैनल पर इफ़ेक्ट आएगा। तो आप लोग अगर मेरे बताए गए चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके चैनल पर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। और गाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में एक डिस्क्लेमर जो है सॉन्ग वाले के लिए लिख कर दिया है, जो सॉन्ग से रिलेटेड चैनल है उसके लिए मैंने एक डिस्क्लेमर लिख के दिया है। आप लोग अपने वीडियो को अपलोड करते द्वारा आप लोग डिस्क्रिप्शन में वो लिख देंगे, ठीक है, कॉपी कर देने के बाद वो लिख देंगे तो आप लोग को 100% में से 90% है कि कॉपीराइट नहीं आएगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।